सब्सक्राइब कीजिए टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू टेक्ट्यूबर्स, मैं हूं शाहज़ेब अशरफ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वाईफाई राउटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं एक सेकेंडरी वाईफाई राउटर की मदद से। अगर आपके पास पहले से एक और राउटर घर में पड़ा हुआ है तो उसकी मदद से आप कैसे अपने राउटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली दो मेथड हैं, एक है वायरलेस मेथड और एक है बहुत ही ईजीएस्ट वाला वायर्ड मेथड। दोनों ही मेथड मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, आपको वो वाईफाई एक्सटेंडर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो 4-5 हज़ार रुपये के आते हैं, तो काफ़ी पैसे आपके बच जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। देखिए ये दो हमारे पास राउटर रहने वाले हैं, एक हमारा मेन राउटर रहेगा और एक आपका सेकेंडरी राउटर जिसको आप एक्सटेंडर भी कह सकते हैं, रेंज एक्सटेंडर का काम करेगा ये वाला राउटर। सबसे पहले बात करते हैं कि वायर्ड मेथड से आप कैसे अपनी वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड कर पाएंगे, इसकी रेंज को इस तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो देखिए ये सबसे आसान तरीका रहता है वायर्ड मेथड वाला, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है आपको। जस्ट आपको करना क्या होता है, एक लैन की केबल आपको लेनी होती है। तो देखिए ये लैन की केबल है, आप भी इस तरह की लैन की केबल ले सकते हैं, थोड़ा आपको बड़ी केबल लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको रेंज एक्सटेंड करनी है अपनी दूसरी एरिया पे, तो दो राउटर के बीच का गैप काफ़ी रहने वाला है, तो एक बड़ी आपको लैन की केबल लेनी पड़ेगी। तो देखिए बड़ा सिंपल स्टेप है, जो आपका मेन राउटर है उसके लैन पोर्ट पे आप इसको लगा दीजिए, जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को अभी चला रहे हैं ना, उसके लैन पोर्ट पे आप इसको लगा दीजिए एक साइड से, और जो आपने दूसरा राउटर लिया है उसके वैन पोर्ट पे इसको लगा लीजिए। ध्यान में रखिए मैं वैन पोर्ट की बात कर रहा हूँ, लैन पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे राउटर के वैन पोर्ट पे लगानी है और अपने मेन राउटर के लैन पोर्ट पे लगानी है। वैन पोर्ट पे लगाने का फायदा ये होता है सेकेंडरी राउटर पे कि आपको कोई भी आईपी सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी आईपी एड्रेस आपको चेंज नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है अपने मेन राउटर से। और इस मेथड को मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा ये स्टूडियो है यहाँ पे मेन राउटर लगा हुआ है और जो नीचे हमारा ऑफिस है वहाँ पे सेकेंडरी राउटर लगा है और हमने यहाँ पे इसके लैन पोर्ट से एक केबल को लगा दिया है, प्लग कर दिया है और अपने सेकेंडरी राउटर के वैन पोर्ट पे लगा दिया है और वो ऑटोमेटिक आईपी को डिटेक्ट करता है, कोई भी आपको अपनी रैंडम आईपी नहीं डालनी पड़ती है और इंटरनेट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ना ही इसमें आपको कोई भी आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं और ना ही कोई भी और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, ना ही स्पीड की कोई प्रॉब्लम आती है। मैं अभी आपको टेस्ट भी करा के दिखाता हूँ, तो चलिए मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इंटरनेट हमारा चल रहा है या फिर नहीं। ये देखिए ये मेरा मेन नेटवर्क है 1 Gbps 5 GHz, ये मेन राउटर है ब्लैक वाला और ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं टीपी लिंक एक्सटेंडर, ये मेरा सेकेंडरी वाईफाई राउटर है जिसके वैन के पोर्ट पे मैंने अपनी लैन की केबल को कनेक्ट किया है, मेन राउटर के लैन के पोर्ट और सेकेंडरी राउटर के वैन के पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया है। और मैं अभी इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ मैं और ये कनेक्टेड है और ना ही हम अपने किसी भी सेटिंग्स में गए हैं राउटर की, कोई भी हमने पेज नहीं ओपन किया है, जस्ट हमने इसकी वैन के पोर्ट पे इंटरनेट को लगा दिया है। तो अभी हम स्पीड टेस्ट करते हैं अपने सेकेंडरी राउटर पे और ये सेकेंडरी राउटर है टीपी लिंक एक्सटेंडर, मैंने इसका नाम रखा था और ये देखिए आप 67 Mbps आ रही है, 100 Mbps का प्लान है हमारा, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये है वायर्ड कनेक्शन के थ्रू आप कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको अपने सेकंड वाईफाई राउटर के वैन के पोर्ट पे अपनी केबल को कनेक्ट करना है और मेन राउटर के लैन के पोर्ट पे कनेक्ट करना है, कोई आईपी वगैरह कुछ नहीं डालनी है, सब ऑटोमेटिक रहने दीजिएगा, कोई भी चेंजेस आपको नहीं छेड़ने हैं और ये ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। ये था वायर्ड मेथड अपनी इंटरनेट की रेंज को बढ़ाने का, अपनी वाईफाई राउटर को आपस में कनेक्ट करने का और ये सबसे आसान तरीका है वैन पोर्ट में इंसर्ट करके ऑटोमेटिक आप इंटरनेट का मज़ा उठा सकते हैं, कोई भी एक्सेस पॉइंट क्रिएट नहीं करना है, कहीं आईपी नहीं डालनी, बहुत बढ़िया ये तरीका है, पिछले 5 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तक आईपी की ना ही कन्फ्लिक्ट हुई और ना ही कोई और दिक्कत हमें सामने आई है। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास वायर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपस में ये दो राउटर्स कनेक्ट हो जाएं वायरलेसली और आप दूसरे रूम्स में भी बढ़िया रेंज का मज़ा उठा पाएं, तो चलिए देख लेते हैं कि आप वायरलेसली दो राउटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे और इंटरनेट का फ़ायदा उठा पाएंगे। दोनों राउटर्स को अपने वायरलेस कनेक्शन में लाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी है सेकेंडरी राउटर में, तो चलिए उसका हम सेटिंग का पेज ओपन कर लेते हैं अपने सिस्टम पर और आपको बताते हैं क्या सेटिंग्स आपको करनी है। तो अभी हम अपने सिस्टम पे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 1 Gbps आप देख रहे हैं ये मेरा मेन वाईफाई राउटर है और दूसरा है टीपी लिंक E8
A4, ये सेकेंडरी राउटर है। तो अभी इसको हमने रीसेट कर लिया है, आप भी रीसेट कर लीजिएगा। और रीसेट करने के बाद ही कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमने अपना भाई पासवर्ड डाल दिया है, राउटर के पीछे लिखा होता है अगर आप रीसेट करने के बाद ढूंढ रहे हैं की किधर है, तो राउटर के पीछे लिखी होती है। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको पूरा फंडा इसका समझा देता हूँ 2 सेकंड में। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि नो इंटरनेट लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी हमने सेटिंग नहीं की है। वायर मैंने निकाली हुई है इसकी लैन की, ताकि आप भी देख सकें, और वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे ये हमारा राउटर है, इसमें कोई भी और वायर नहीं लगी हुई है, सारा खाली है। और यही राउटर है जिससे हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी येलो लाइट जल रही है, तो आप देख सकते हैं नो इंटरनेट लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपको क्रोम खोलना है, ठीक है। क्रोम खोलने के बाद आपको इस राउटर की सेटिंग के पेज को ओपन करना है, और इसका जो नंबर होता है 192.168.0.1, अगर .1.1 से नहीं खुले तो .0.1 कर लीजिएगा। कभी कभार वो .1.1 होता है, कभी वो .0.1 से भी खुलता है। तो यहाँ पे यूज़र नेम डाल लीजिए, एडमिन ही होता है डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड भी एडमिन ही होता है, ठीक है। तो आप इस पेज पे आ चुके हैं। अब बहुत सारी वीडियोस आपको YouTube पे देखने को मिलेंगी जहाँ पे WDS का ऑप्शन दिखाया जाता है, WDS का ऑप्शन। तो अगर आपके TP लिंक के राउटर में या किसी भी राउटर में WDS का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, वो कहाँ देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप वायरलेस सेटिंग्स में जाइए, वायरलेस सेटिंग्स में जाने के बाद वायरलेस एडवांस में जाइए। वायरलेस एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एनेबल WDS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर WDS का ऑप्शन डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप वहाँ पे भी उस ऑप्शन का यूज़ करके अपने मेन राउटर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको क्या करना है। आपको क्विक सेटअप पे जाना है और नेक्स्ट करना है, और ध्यान रखिए आप इसको वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आपका ऑपरेशन मोड रहेगा वो रेंज एक्सटेंडर रहेगा यहाँ पे, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आएगी कि कौन से वाईफाई राउटर से आपको इसे कनेक्ट करना है, इस सेकेंडरी राउटर को। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपने 1 Gbps वाले राउटर को कनेक्ट करना है। ये हमारा मेन राउटर है 1 Gbps वाला, इससे हम ये वाले राउटर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड वो वाला एंटर करना है जो आपने मेन राउटर पे रखा हुआ है, वायरलेस राउटर जो आप मोबाइल से कनेक्ट करते हैं वाईफाई, वो वाला राउटर का पासवर्ड। पासवर्ड आप डाल दीजिए, हमारा यहाँ पे पासवर्ड है शाहजेब अशरफ, ठीक है। तो वही पासवर्ड आपको इस वाले राउटर पे भी रखना है, और नाम यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस सेकेंडरी वाईफाई राउटर का नाम रख देते हैं, रेंज एक्सटेंडर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको स्मार्ट IP DHCP पे ही रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको यहाँ पे, और सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको देखने को मिलेगा, नीचे आइए आप और फिनिश के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा रिबूट में टाइम लेगा, रिबूट हो जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नेट है वो सेकेंडरी राउटर पे चला है या फिर नहीं चला है। तो हमारा सेटअप यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और अब हम ज़रा अपना इंटरनेट देखते हैं कि चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TP लिंक रेंज एक्सटेंडर है इसका नाम, और ये एरर हो गया, दूसरे से कनेक्ट हो गया होगा। दोबारा हम कनेक्ट करते हैं अब अपने TP लिंक के रेंज एक्सटेंडर से, ये यहाँ पे आ रहा है रेंज एक्सटेंडर, और कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और पासवर्ड जो आपने रखा था वही डालिएगा यहाँ पे। हमने सेम पासवर्ड ही रखा है और आपको भी वही रखना है दोनों राउटर्स का। नेक्स्ट कर दीजिए, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद देखते हैं कि इंटरनेट हमारा कैसा चल रहा है, और ये वायरलेसली आपस में कनेक्ट हुए हैं, कोई भी वायर यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है। तो आप अभी देख सकते हैं कि TP लिंक रेंज एक्सटेंडर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप को, और अभी हम देखते हैं कि हमारा नेट कितना बढ़िया चल रहा है। तो चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट ऑन हो गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि TP लिंक रेंज एक्सटेंडर से ही कनेक्टेड है, और स्पीड यहाँ पे कुछ आ रही है 30, 32, 33 MBPS की। और राउटर आप देख सकते हैं कि राउटर ये हमारे पास है, और अभी इसी राउटर से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप को, और कोई भी वायर इसमें नहीं है, जस्ट एक पावर की वायर है, और ये वायरलेसली कनेक्टेड हैं दोनों राउटर्स आपस में, ठीक है। तो स्पीड आपके सामने है 40 Mbps और 40 Mbps से डाउनलोड स्पीड आ रही है, अपलोड स्पीड आ रही है। तो अभी हम इसको
दोबारा अपने मेन राउटर से कनेक्ट करते हैं। ये एक सिंगल बैंड वाईफाई राउटर है, 5 GHz का नेटवर्क नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिसकी वजह से इतनी कम स्पीड आपको देखने को मिल रही है। अगर आप डुअल बैंड वाईफाई राउटर से इसको कनेक्ट करेंगे अपने किसी भी वाईफाई राउटर से रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, नो डाउट। और अगर आप सिंगल बैंड का इस्तेमाल करेंगे तो 30-40 Mbps की स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है। सो ये दो मेथड हैं कैसे आप अपने दो वाईफाई राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। पहला मेथड था वायर्ड मेथड, बहुत ही सिंपल था। दूसरे राउटर के वैन के पोर्ट में लगा लीजिए केबल और पहले राउटर के लैन के पोर्ट पे लगा दीजिए और बढ़िया तरीके से इंटरनेट काम करेगा, कोई आईपी वगैरह नहीं डालनी। दूसरा मेथड है वायरलेस मेथड, कि आपको कैसे वायरलेसली कनेक्ट करना है दोनों राउटर्स को, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। जस्ट क्विक सेटअप का इस्तेमाल कीजिए, रेंज एक्सटेंडर का ऑप्शन चूज़ कीजिए, पासवर्ड वगैरह सेम रखिएगा और आप ऑटोमेटिक DHCP का इस्तेमाल कीजिएगा, स्टैटिक आईपी मत डालिएगा, क्योंकि ऐसे भी काम करता है और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, किस तरह से आप अपने दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेक्यूबर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। हैव अ नाइस डे।